यूएई में खेले जा रहे टी20 विश्व कप 2021 में भारतीय टीम लगातार दूसरी हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर खड़ी है। रविवार को 31 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। ये दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाला मुकाबला था, जिसे न्यूजीलैंड ने जीत लिया। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड दोनों को अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद भारत बनाम न्यूजीलैंड एक नॉकआउट मैच जैसा हो गया था। इस नॉकआउट मैच में हार के बाद भारत के सेमीफाइनल के पहुंचने की उम्मीदों को भी करारा झटका लगा है। जहां एक तरफा टीम इंडिया के फैंस दुखी हैं, वहीं पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स टीम इंडिया के सार पर बहुत ही बड़ा बयान दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम इंडिया का मजाक बनाने में तुला हुआ है। वो जश्न मना रहे हैं, वो खुशी मना रहे हैं कि भारत को एक बार फिर हार मिली है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर भारत की इस बड़ी हार पर ऐसा क्या बोल गए कि सुनकर हर भारतीय हैरान रह गया। तो आइए जानते हैं आखिर पाकिस्तान भारत की इस हार के बाद क्या बातें कर रहा है और पाकिस्तान मीडिया में किस तरह से हलचल मची हुई है भारत की हार को लेकर। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने दोनों शुरुआती मुकाबले गंवा दिए हैं। पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड ने भी भारत को बड़े अंतर से हराया है। अब विराट कोहली की टीम के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने की राह काफी मुश्किल हो गई है। कोई चमत्कार ही है जो टीम इंडिया को यहां से सेमीफाइनल में पहुंचा सकता है। भारतीय टीम जब टी20 वर्ल्ड कप में गई तब एक दावेदार थी, लेकिन उसके आसपास कई सारे सवाल खड़े थे। विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने की बात करना, नए कोच की तलाश होना, MS धोनी की बतौर मेंटर अचानक टीम में शामिल होना, ऐसे में भारतीय टीम के मिशन का आगाज तो किया लेकिन उसकी खराब शुरुआत रही और अब इसी बात का फायदा पाकिस्तान के क्रिकेट उठा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट मीडिया का क्या हाल है और शाहिद अफरीदी और तमाम दिग्गज खिलाड़ी भारत पर क्या बात कर रहे हैं, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड की जीत के तुरंत बाद पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने कुछ इस तरह से जश्न मनाया है। हार के बाद शाहिद अफरीदी ने ट्वीट कर इशारों में टीम इंडिया को चिढ़ाया। शाहिद अफरीदी ने लिखा, टीम इंडिया अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, लेकिन जिस तरह से उसने अपने पहले दो बड़े मुकाबलों में खेल दिखाया है उसे देखकर ये चमत्कार ही लगता है। अब यहाँ पे शाहिद अफरीदी भारत के जले पर नमक छिड़क रहे हैं, तो वहीं आइए जानते हैं शोएब अख्तर ने क्या कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि टॉस हारते ही टीम इंडिया की शामत आ गई थी। शोएब अख्तर बोले, टीम इंडिया ने बेहद खराब क्रिकेट खेला, बिल्कुल लय में नहीं दिखी टीम और वे बेहद दबाव में नजर आ रही थी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि दो टीमें मैदान पर खेल रही है, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक ही टीम खेल रही है और वो है न्यूजीलैंड। बता दें कि भारतीय टीम के शुरुआती दो मैच हारने के बाद अब सेमीफाइनल की रेस में लगभग बाहर है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपने तीनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में लगभग जगह पक्की कर चुकी है। पाकिस्तान ने पहली बार टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के इतिहास में हराया और भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में निराशाजनक प्रदर्शन किया है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बावजूद भी थिरक रही है के सार से खुश हो रहे हैं, जो कि आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और हम वीडियो को लाइक करके इंडिया के लिए सपोर्ट जरूर दिखाइएगा।